दोस्तों, कैसे ये वीडियो बनाना है, ब्रोकन लाइट इफेक्ट वीडियो बनाना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहे कि आपको पूरा समझ आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ से एक एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। यहाँ से इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद या नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे टैप करना और यहाँ से न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से मीडिया फाइल पे ओपन कर लेते हैं। और फिर यहाँ से ये तो दोस्तों, यहाँ से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। इससे पे ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज थोड़े से बढ़ा देते हैं, जितने लंबा वीडियो बनाना है उतनी साइज बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से लेयर पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक वीडियो को लेना होगा। तो इस वीडियो का लिंक मैंने सभी मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको लेने के बाद यहाँ से आपको तो दोस्तों, यहाँ इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। फिर यहाँ से आपको क्रोमा की वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ से आपको इसको एनेबल करके यहाँ से आपको नीचे के साइड में ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टैप करके यहाँ से आपको ग्रीन कलर कर लेना होगा। तो इस पर क्लिक करके इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो लेयर पे क्लिक करके यहाँ मीडिया फाइल में जाने के ना फोटो या किसी का या फ्रेंड का किसी का भी फोटो यहाँ से ले सकते हो। तो इस फोटो को लेने के बाद यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में या अच्छे से रख देना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ सेंड टू बैक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस फोटो को यहाँ से अच्छे से बीच में रख लेते हैं। तो यहाँ से चाबे वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ से इस फोटो को इस लास्ट में ले जाना है। फिर लास्ट में ले जाने के बाद इस फोटो को क्रॉस में कर लेना है, जिस तरह से आपको मूड बीच में आ जाए इस तरह से कर लेना है। फिर यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ से दूसरा एक इमेज ले लेना होगा। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से मीडिया फाइल में ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ से आपको कोई भी फोटो या दूसरा भी ले सकते हो, इसी तरह से लेना होगा। जितने फोटो का वीडियो बनाना है इतना फोटो यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ से मैं स्पीड में थोड़ा सा कर लेता हूँ मैंने, ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो जाए। तो यहाँ और एक वीडियो लेना होगा, तो लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से अपनी गैलरी में से दूसरा एक वीडियो लेना होगा। तो इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है। तो इस वीडियो 3-4 सेकंड का है, तो वह यहाँ से एक ले लेते हैं। फिर यहाँ से इसको जितना आपका फोटो है इतना इस वीडियो को रख लेना है। तो यहाँ से इसको सबसे पहले तो यहाँ फुल स्क्रीन में कर लेना होगा। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद यहाँ से यहाँ ब्लाइंडिंग को नीचे स्क्रॉल करो, इन एनिमेशन में जाओ और यहाँ ब्लाइंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो स्क्रॉल करके नीचे ब्लाइंडिंग पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन पे ओके कर लेना है। तो दोस्तों, इतना कर लेने के बाद यहाँ थ्री डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टैप करो और यहाँ से इस वीडियो को डुप्लीकेट करना होगा। फिर यहाँ से इस वीडियो को अगले फोटो दिख रहा होगा उस पर रख लेना है अच्छे, तो उसी तरह सभी फोटो पर आपने रख लेना होगा। दोस्तों, यहाँ से एक सॉन्ग पे लगाना है, तो यहाँ से एक लेयर वाले ऑप्शन पर जाते हो। लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से एक ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को लेना होगा। तो यहाँ ग्रीन स्क्रीन वाला दिख रहा होगा, तो उस पर टैप करो और यहाँ से इसको ले लेते हैं। फिर यहाँ से ब्लाइंडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर टैप करके यहाँ से इस वीडियो को यहाँ स्कैन कर लेते हैं। तो सिंपल से दोस्तों, यहाँ से बहुत आसानी से ये वीडियो बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो किस तरह से आपका ये फोटो आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी इसे ऐसा वीडियो आसानी से बना सकते हो। तो आपको इस वीडियो को यहाँ से आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर तीर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टैप करो और यहाँ से एक्सपोर्ट वाला दिख रहा होगा ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करो और यहाँ से इस वीडियो को यहाँ से अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। बहुत आसानी से ये ऐसा वीडियो बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।